हेलो गाइस, व्हाट्सअप। होप आप सब बिल्कुल सही हैं, मज़े में हैं और ठीक ठाक हैं। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो मैं स्टार्ट करने से पहले ये बता दूं कि मैंने आपको दो टॉपिक्स भेजे, अभी दो चैप्टर्स भेजे इनफैक्ट। एक का नाम है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और दूसरे का नाम है सोर्सेज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। राइट, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन अपना कहाँ कहाँ से लिया हुआ है। ये नोट्स भेजे मैंने, इसमें कुछ खास समझाने वाला नहीं है। आप पढ़ के ही इसको समझ लोगे कि कौन से कंट्री से हमने क्या लिया है। इसको समझाने वाला कुछ नहीं है। और मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी कैसे, इलेक्शंस हुए, और उसकी सबसे इम्पोर्टेंट कमेटी थी जो जिसका बी आर अम्बेडकर हेड था, ड्राफ्टिंग कमेटी, उसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, कब कॉन्स्टिट्यूशन बना, कैसे बना, ये सब कुछ आपने नोट्स में देख लिया। इसके बारे में कुछ समझाने वाला नहीं है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। तो हम अपने आपने अभी तक तीन चैप्टर कर लिए हैं, ठीक है। एक चैप्टर मैंने सबसे पहले कराया प्रियम्बल, वो मैंने समझाया भी, आपको नोट्स भी भेजे। सेकेंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर के भी मैंने आपको नोट्स भेजे, बट उसमें समझाने वाला कुछ है नहीं है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं फोर्थ चैप्टर पे, जो कि बड़ा इम्पोर्टेंट है, जो है जिसका नाम है सैलियंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सैलियंट फीचर्स या फिर सैलियंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसको हम समझेंगे भी और मैं आपको नोट्स भी साथ में ही आज भेज दूंगा। राइट, तो स्टार्ट करते हैं गाइस। तो सैलियंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, यह है कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से इंपॉर्टेंट सैलियंट फीचर्स हैं। राइट, तो बहुत सारे फीचर्स हैं हमारे पास, ठीक है। सबसे पहला फीचर ये है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। देखिए, बड़े सारे कंट्रीज में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ही है, इनफैक्ट अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी होता है। यूके जो है, ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन और यूके एक ही कंट्री का नाम है, राइट। ब्रिटेन और यूके, जिसने हमारे ऊपर राज किया, उसका ही नाम है। और उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अनरिटन है, ये आपने हमेशा याद रखना है। यूके का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अनरिटन है, राइट। लेकिन बाकी सब कंट्रीज का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन है। हमारा भी रिटन है, यूएसए का भी रिटन है। तो एक फीचर तो ये हो गया कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरे फीचर पे हम आ जाते हैं, ये आप पहले फीचर के साथ ही इसको जोड़ लीजिए, वो है सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। ये अब इसका क्या मतलब है, एक कंट्री का एक ही कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, तो फिर ये फीचर अलग से क्यों हमने लिखा है? क्योंकि यूएसए में ऐसा है कि नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन अलग से है और हर एक स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन अलग से है। अब यूएसए में ऐसा है कि टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स हैं, वह है 50, 50 स्टेट्स हैं यूएसए में। जैसे हमारे यहाँ पे 28 स्टेट्स हैं, पहले 29 थी, अब 28 हो गई, वैसे यूएसए में 50 स्टेट्स हैं, ठीक है। तो वो जब यूएसए बना था कोई 300 साल पहले, तब भी 50 थी, आज भी 50 हैं, ठीक है। लेकिन हमारे कंट्री में जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था, कोई लगभग बड़ी कम स्टेट्स थी, 14 के आसपास, और आज 28, 29 थी, 29 थी, अभी 28 हो गई। तो हमारे कंट्री में स्टेट्स बनना इजी है, न्यू स्टेट्स क्रिएट करना या एग्जिस्टिंग स्टेट्स की बाउंड्री को अल्टर करना इजी है, लेकिन यूएसए में ये प्रोसेस बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है। तो तभी यूएसए में 300 साल में एक भी न्यू स्टेट नहीं बनी, 50 थी, आज भी 50 है। लेकिन यूएसए में जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हर एक 50 की 50 स्टेट का अलग से कॉन्स्टिट्यूशन भी है और एक नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन भी है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है। हाँ, J&K का अलग से कॉन्स्टिट्यूशन था, लेकिन अब वो भी हमारी जो है वो यूनियन टेरिटरी बन चुकी है और वो कॉन्स्टिट्यूशन खत्म हो गया है। तो इसलिए अब इंडिया का एक ही कॉन्स्टिट्यूशन रह गया है, वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, राइट। सेकेंड पॉइंट पे आ जाते हैं, वही है कि सोर्सेज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके डिफरेंट सोर्सेज हैं। देखो, जब अंग्रेज़ इंडिया में आए, तो अंग्रेज़ों ने जब भी इंडिया में आए तो उनको यहाँ पे रूल करने के लिए कुछ एक्ट्स चाहिए थे, कुछ कानून चाहिए थे। नेचुरल सी बात है, जो भी गवर्नमेंट यहाँ पे बनेगी
उसको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस चाहिए होंगे, कुछ कानून चाहिए होंगे, ठीक है। तो 1773 में पहला एक्ट अंग्रेज़ों ने इंडिया में बनाया, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, ठीक है। उसके बाद उसने बड़े सारे एक्ट्स बनाए, यूके ने बड़े सारे एक्ट्स इंडिया के लिए बनाए, चार्टर एक्ट्स, पिट्स इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स, वो उनको हम एक डिफरेंट चैप्टर में देखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया में वो आगे आएगा चैप्टर, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर हम यही कहना चाहते हैं आपको कि इंडिया में जो एक्ट्स बनने स्टार्ट हुए थे यूके के द्वारा, क्योंकि यूके हमारे ऊपर रूल कर रहा था, वो 1773 में स्टार्ट हुए थे और 1935 में एंड हुए थे। लास्ट जो एक्ट उन्होंने मेजर जो एक्ट बनाया वो 1935 का नाम एक्ट था, जिसका नाम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है। ऐसे 1947 वाला एक्ट भी है जिसको इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 बोलते हैं, लेकिन वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट एक्ट जितने भी एक्ट्स इंडिया में उन्होंने बनाए उसका नाम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई 1946 में, तो उसने क्या किया कि जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का जो स्ट्रक्चर था, बेसिक जो स्ट्रक्चर था, वो इसी एक्ट से लिया जिसका नाम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, राइट। तो मेन जो स्ट्रक्चर है हमने इसी एक्ट से उठा लिया, बाकी हमने यूएसए से फंडामेंटल राइट्स ले लिए, कनाडा से कुछ ले लिया, यूके से कुछ ले लिया, फ्रांस से कुछ ले लिया, यूएसएसआर से कुछ ले लिया, आयरलैंड से कुछ ले लिया, ऑस्ट्रेलिया से कुछ ले लिया। तो ऐसे करते करते हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ये है सेकंड पॉइंट। अब हम अपने जो है वो थर्ड, तो अब हम थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं जिसका नाम है रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। इसका मतलब ये होता है, ये जुड़ा हुआ है इन अमेंडमेंट प्रोसेस के साथ। देखिए, अब जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बन गया, ठीक है, 1950 में तैयार हो गया, तो आज चल रहा है 2020, 70 साल हो गए। तो क्या आप, क्या ये सोच सकता है कोई कि 1950 में जो कॉन्स्टिट्यूशन बना आज भी वैसा का वैसा हो? ये पॉसिबल है नहीं, क्योंकि टाइम चेंज हो गया, न्यू टेक्नोलॉजी आती जा रही है, इंटरनेट आ गया, आप देखिए कंप्यूटर्स आ गए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आ गई, ठीक है, कितने न्यू लॉज बन गए, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो चेंज तो होना ही है। इसलिए हमने अमेंडमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन में हम करते रहते हैं। आज तक हमारी 100 से भी ज़्यादा बार का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अमेंड हो चुका है, वो चेंज हो चुका है। चेंज मतलब ये नहीं कि पूरा चेंज, चेंज का मतलब थोड़ा थोड़ा करके इसको थोड़ा बहुत लिटिल बिट हम चेंज करते रहते हैं, ठीक है। तो ये है रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। इसका मतलब ये है कि अमेंडमेंट प्रोसेस जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है वो रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी दोनों फॉलो करता है। मींस कहीं पर इसको अमेंड करना कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत रिजिड है, और कहीं पर इसको कॉन्स्टिट्यूशन को इंडिया के अमेंड करना बहुत फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल मीन्स ईजी। तो कहीं पर इसको अमेंड करना रिजिड है, कहीं पर इसको अमेंड करना फ्लेक्सिबल है, यानी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना एवरेज है, ना ज़्यादा रिजिड ना ज़्यादा फ्लेक्सिबल। अब मैं इसको डिटेल में नहीं अभी समझा रहा कि क्या रिजिड है और क्या फ्लेक्सिबल, क्योंकि इसके लिए हम नेक्स्ट चैप्टर जो आएंगे आगे उसमें देखेंगे। एक चैप्टर आएगा अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें हम पूरा आर्टिकल 368 जो कि अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को डील करता है, उसमें हम पूरा देख लेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना कैसे होता है हमारे कंट्री में, क्या चीज़ें ईजी हैं, क्या चीज़ें डिफिकल्ट हैं, किस चीज़ों में रिजिड आता है और किस चीज़ों में फ्लेक्सिबल आता है। तो बाय एंड लार्ज हम ये कहेंगे इस पॉइंट में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इज रिजिड, इसकी जो अमेंडमेंट है इट इज़ बोथ रिजिड एंड फ्लेक्सिबल। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, तो वो उसका नाम है सेकुलर स्टेट। जैसे कि मैंने पहले भी समझाया कि इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, हम कोई भी रिलीजन फॉलो नहीं करते हैं, हम ना ही तो इस्लामिस्ट कंट्री है, ना ही तो हम हिंदुइस्ट कंट्री है, ना तो सिखिस्ट कंट्री हैं, हम एक सेकुलर कंट्री हैं जिसमें कोई भी आकर रह सकता है और कोई भी रिलीजन को फॉलो कर सकता है। अगर कोई हिंदू है वो मुस्लिम में कन्वर्ट भी हो सकता है, कोई मुस्लिम है वो हिंदू में कन्वर्ट भी हो सकता है। तो ऐसा कुछ रूल नहीं है कि अगर हम इस्लामिस्ट कंट्री हैं जैसा कि पाकिस्तान है या अफगानिस्तान है, वैसा कुछ नहीं है हमारे कंट्री में, हम एक सेकुलर कंट्री हैं, राइट। यहाँ तक आपको सारा क्लियर है?
अब हम अपने जो है वो नेक्स्ट पॉइंट भी आ जाते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट बड़ा इम्पॉर्टेंट है, वो है फेडरलिज्म इन इंडिया। इसको समझना पड़ेगा। देखिए, फेडरलिज्म का मतलब होता है डिवीजन ऑफ पावर्स, राइट, डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट्स। अब आपको इतना तो पता ही होगा कि सेंटर एंड द स्टेट्स का मतलब क्या है। सेंटर होता है जैसे दिल्ली में हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, और स्टेट्स होती हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स जो हमारी हैं, तमिलनाडु, J&K, पंजाब, हरियाणा, ठीक है, तो सेंटर एंड द स्टेट्स, ठीक है। फेडरलिज्म क्या करता है? फेडरलिज्म ये करता है कि पावर को डिवाइड करता है सेंटर में और स्टेट्स में, यानी कि कुछ पावर सेंटर को दे देता है और कुछ पावर स्टेट्स को दे देता है। फॉर एग्जांपल, इंडिया में लॉ एंड ऑर्डर होता है जो पावर पुलिस के पास है। लॉ एंड ऑर्डर किसके पास है? स्टेट्स के पास। तभी आपने देखा होगा JKP, यानी जम्मू कश्मीर पुलिस, पंजाब पुलिस, तमिलनाडु पुलिस, हरियाणा पुलिस, राजस्थान पुलिस, हर एक स्टेट की अलग अलग पुलिस है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो पुलिस के पास है। और पुलिस की पावर किसको दी हुई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने? स्टेट्स को, ना के सेंटर को, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सेंटर के पास भी तो पुलिस होती है, CRP, तो वो पुलिस नहीं होती, वो रिजर्व पुलिस होती है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ठीक है। उसको हम पैरामिलिट्री फोर्स भी बोलते हैं, उसके ऊपर हम बाद में आएंगे। यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वो स्टेट पुलिस की बात कर रहे हैं, जो FIR लिखती है। CRPF जो है वो FIR नहीं लिख सकती, उसको डिप्लॉय किया जाता है जहाँ पे कम्युनल राइट्स हो रहे हैं, स्टोन पेल्टिंग हो रही है, तो उसको रोकने के लिए। लेकिन स्टेट पुलिस का काम है FIR लिखना, कार्रवाई करना, CID करना, अपना क्राइम पेट्रोल वगैरह सारा कुछ करना, ये स्टेट पुलिस का ही काम होता है। तो फेडरलिज्म जो है हमारे कंट्री में, उसका मीनिंग ये है कि पावर्स आर डिवाइडेड बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट्स। कुछ पावर सेंटर के पास हैं, कुछ पावर स्टेट्स के पास हैं। अब USA की बात करें तो USA में स्टेट्स के पास बहुत ज़्यादा पावर्स हैं। हमारे केस की बात करें तो हमारी स्टेट्स के पास बहुत कम पावर्स हैं। हाँ, पुलिस की पावर ज़रूर है, लेकिन और कोई खास पावर हमारे स्टेट्स के पास नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, टैक्स कलेक्शन की बात करें तो हमारी स्टेट्स ज़्यादा टैक्स कलेक्ट नहीं कर पाती एज़ कम्पेयर टू सेंटर। सेंटर हमारे कंट्री में सबसे ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करता है, स्टेट्स को कोई भी टैक्स, बहुत कम टैक्स मिलता है। जैसे आप देख लीजिए, GST सेंटर को जाता है, इनकम टैक्स सेंटर को जाता है, एक्साइज ड्यूटी सेंटर को जाती है, ठीक है, जितना वैट जो है वो सेंटर को जाता है, पेट्रोल डीजल के ऊपर जितना टैक्स है, एविएशन फ्यूल जो जहाज़ में पड़ता है उसके ऊपर जितना टैक्स है, सारे का सारा जो टैक्स है वो सेंटर को जाता है, ठीक है। लेकिन स्टेट्स के पास कुछ छोटे मोटे ही ऑक्ट्रॉय, इस टाइप के छोटे मोटे टैक्स बच जाते हैं, वो स्टेट्स के पास आते हैं। इसलिए स्टेट्स के पास पैसा कम रहता है हमारे कंट्री में, और सेंटर के पास पैसा ज़्यादा रहता है। इस वजह से क्या होता है कि स्टेट्स हमेशा सेंटर से पैसा मांगती रहती हैं। तो सेंटर ने ऐसा इसलिए कर रखा है ताकि स्टेट्स जो हैं वो कम पावरफुल रहें और सेंटर से हमेशा पैसा मांगती रहें, ताकि सेंटर ये चाहता है कि स्टेट्स जो हैं वो सेंटर के ऊपर डिपेंडेंट रहें। हमारे कंट्री में सेंटर ये नहीं चाहता कि स्टेट्स फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएं। हमारे कंट्री में सेंटर ये चाहता है कि स्टेट्स जो हैं वो सेंटर के ऊपर हमेशा डिपेंडेंट रहें, और वो हमेशा सेंटर से पैसा मांगने की हालात में रहें, पैसा मांगना पड़े उनको सेंटर से बार 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 बार। इससे क्या होगा कि सेंटर की जो पकड़ है स्टेट्स के ऊपर वो मजबूत रहेगी, और स्टेट्स कभी कंट्री से अलग नहीं हो पाएंगी। लेकिन इसके उल्टा, अगर हम स्टेट्स को ज़्यादा टैक्स दे दें, ज़्यादा पैसा दे दें, तो स्टेट्स ये सोचने लग जाएंगी कि हम इंडिपेंडेंट ही हो जाते हैं, हम अलग कंट्री ही बना लेते हैं, इंडिया के साथ रहने का क्या फ़ायदा है, ठीक है। इसलिए स्टेट्स को अपने कंट्रोल में रखने के लिए सेंटर ने ये फाइनेंस की पावर ज़्यादा अपने पास रखी है। फाइनेंस की तो सिर्फ एक पावर है, बड़ी सारी पावर्स होती हैं, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री वगैरह, ठीक है। तो ज़्यादातर पावर जो है वो सेंटर के पास हैं, करेंसी छापने की पावर भी सेंटर के पास है, लेकिन छोटी मोटी जो छोटी मोटी पावर्स हैं वो स्टेट्स को दे रखी है। किसको क्या दे रखा है ये हम आगे चल के पॉलिटी में देखते रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं।